पंडित जी कहाँ हो तुम, हमको बुला लो अपने पास, हम अपना दुख बताते हैं, अपने दिल का हृदय का बात बता दे, सारे कागज पढ़ लो, फिर हमारे लड़के बच्चे नाती पोते को सबको जिन। रीवा के SP ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला अपनी समस्या लेकर पहुंची। कार्यालय के बाहर खड़ी महिला इस दौरान रोती रही। SP नवनीत भसीन ने महिला की शिकायत पर जांच का भरोसा दिया है। रोती बिलखती महिला ने बताया कि BJP के राज में उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। महिला का कहना है कि उनके पति और उनके बेटे को SC ST के झूठे केस में फंसाया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए वो 4 साल से पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। SP ऑफिस आ जान, 4 साल से हम पहले आबिद खान SP साहब रहे, तब हम आवर रहे, अब बड़े बड़े अधिकारी के लगे गए, IG के लगे गए, DIG के लगे गए, DIG साहब सुना इनका कुछ नहीं, तैयार आई बोला इनका, हम कहें साहब कर्जा सुन ले, एक दिन अप्लीकेशन अवई दी हम 3-4 दिन पहले, कौन दौड़ दौड़ के आई थे, 4 साल से दौड़ी लागे, सारे कागज लगे हैं हमारे लड़का बच्चन का, ST ST का मुकदमा, परिवार लोग गांव के ठाकुर झूठा 4 साल पहले करवाइन, हमारे नाती के ठोकर लाग, हमार रिपोर्ट दर्ज नहीं भाई, पर कौनो अधिकारी हमारे कैसे मुकदमा नहीं कायम कराएं कि इन्हों के रिपोर्ट तो लिखी जाए। आज हम रोबर रोबर लागत हमारे हार्ट के मरीज हैं कि हम पार चाहे प्राण चला जाए, आज SP साहब के लगे हम इतना गुहार लगाओ कि SP साहब हमारे गुहार भोपाल लगवा मोदी के लगे, कि इतने अत्याचार भ्रष्टाचार मोदी के जमाने में क्या बड़े अधिकारी नहीं सुनते, काहे के बैठे हैं, जब चौकी दरोगा माने चौकीदार, चौकीदार जब इतना कई दिन है तो बड़े अधिकारी काहे नहीं सुनते, बड़े तो ही घर के मालिक आ ही ना, थाना माने कुछ नहीं, कौने थाना में दारू नहीं बेचाए, कौने थाना में गांजा नहीं बेचाए, झूठ झूठ का अपराधी हमारे लड़कियन का बना दिए, हमारे नाती का एक्सीडेंट भरा है गाड़ी से, मार्शल गाड़ी से, वो गाड़ी में लाई के सौ नंबर भोपाल लगाई समार पर, तो हमारे घरे जेंस नहीं रहे के, 25 की घटना है, 25 से हम 4 साल से दौड़ी। बुजुर्ग महिला का मानना है कि वो सालों से भटक रही है, फरियाद लेकर IG DIG समेत तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। SP साहब हमको आश्वासन दिए नहीं, विश्वास लागत है, अम्मा मत घबराओ, मेरा नंबर ले लो, कोई तुम्हारे घर नहीं जाएगा, मैं पूरी जांच करेंगे, ऐसा करके बोले हैं, तो हमको भरोसा लगता है कि हो सकता है न्याय हो, तो भगवान भोलेनाथ के भक्त न्याय करा। ASP अनिल सोनकर ने बताया कि हमने महिला की समस्या पर गौर करके उनकी जांच के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही मामले में न्याय किया जाएगा। आश्वासन दिया है कि इसकी एक बार हम विवेचना में इन बिंदुओं पर भी पुनः जांच करा लेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई न्यायालय में करेंगे। घटना को 4 साल हो गए, 2020 की घटना है, चूँकि साधारण किस्म का मामला है, ये नोटिस दे करके इनको पेश करना है, इनके परिजन जो इनके विरुद्ध आरोप है वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये परेशानी हो रही है कि वो चलान न्यायालय पेश नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया ना कि इनको जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि पुनः एक वरिष्ठ अधिकारी को भेज करके और इनके द्वारा जो बिंदु बताए गए हैं उन पर पुनः विवेचना करवा करके और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। दरअसल 2020 में हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला के पति, बेटे और नाती को पुलिस की ओर से आरोपी बनाया गया था। इस दौरान पिता बेटे के खिलाफ पुलिस ने SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की, जबकि महिला का आरोप है कि उसके परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या वाकई में इस मामले में सही तथ्यों के साथ मामले का पर्दाफाश कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी TV के लिए रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।